फ्रेंड्स, ये फ़ोन है वन प्लस 9R, लेटेस्ट बिल्ड के साथ है, एंड्रॉयड 12 पे अपडेटेड है ऑलरेडी ये। बट इशू क्या है कि मेरा फ़ोन ऑलरेडी ये 5G सपोर्टेड है, बट नेटवर्क के अंदर 5G का ऑप्शन दिखता नहीं है, ओनली 4G का ऑप्शन दिखता है। सो इसके लिए एक पैच है। अब जब तक कंपनी की तरफ से पैच नहीं आता, हम ये वाला ऑप्शन कर सकते हैं। हमें प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करना है और फिर ये अपना 5G इनेबल हो जाएगा और अपना नेटवर्क भी यहाँ पे दिखने लगेगा। यहाँ नहीं दिखेगा, बट 5G का सिंबल आ जाएगा और इवन 5G वर्किंग हो जाएगा। सो देख सकते हो 4G, 3G, 2G ऑटो, बस यही मोड अपने को देखने को मिल रहा है। सो प्ले स्टोर में आ गया हूँ मैं। यहाँ पे 5G LTE स्विचर करके जो एक ऐप है वो डाउनलोड कर लेना है अपने को। सो इंस्टॉलेशन, यस, तो इंस्टॉलेशन अपनी हो गई है, ओपन कर लेते हैं। यहाँ आपको एक्सेप्ट देखने को मिल रहा होगा, एक्सेप्ट कर लेना है और GPS अनेबल करके अलाउ कर देना है, परमिशंस अलाउ कर लेने हैं। 5G बूस्टर करके आपको ये एक सेटिंग दिख रही होगी, वो ओपन कर लेना है और सेट प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप में आना है। यहाँ पे अपने को पहले से जो है सेटिंग उसको छोड़ दो और आप सेलेक्ट कर लो NR oblique LTE oblique CDMA। NR एज अ 5G है। सो ये सेलेक्ट करते ही आप देखोगे कि आपका नेटवर्क चेंज हो जाएगा 5G में। ऑलराइट, ये देखो आपका सिंबल आ गया है 5G का। सो अभी सिंबल तो आ गया है, बट स्पीड आई है या नहीं वो चेक कर लेते हैं। एक बार गूगल पे चलते हैं, क्रोम पे, और वहाँ पे स्पीड टेस्ट करते हैं। सो यहाँ पे स्पीड टेस्ट की साइट खोल लो आप, बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप करोगे तो स्पीड टेस्ट पे जाओगे। सो अपनी आप देखोगे अप्रोक्स 250 या 60 के करीब हमें यहाँ पे स्पीड मिल रही है, वो मिलनी चाहिए। यस, तो 255 की स्पीड आ रही है। अपलोडिंग थोड़ी कम है, डिपेंड्स ऑन कि जिस वक्त आप यूज़ कर रहे हो, लाइक किस तरह का नेटवर्क है। सो डाउनलोडिंग स्पीड अपनी बढ़ गई है। सो ये पैच है, इससे आप अगर आपके फ़ोन में 5G नहीं आ रहा है तो इस ऐप के थ्रू आप ये एनेबल कर सकते हो। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।